political analyst R. Rajagopalan, in a one-to-one with NNIS, said Narendra Modi alone had done tremendous damage to the Congress fort. R. Rajagopalan told NNIS that the anti-Congress wave in turn was helping the BJP. He said in 6 months flat the Congress was reduced to a poor situation as the BJP held 80 rallies. He said the famous quartet of Salman Khurshid, Manmohan Singh, Kapil Sibal and P. Chidambaram had done more harm than that. इसलिए anti-Congress wave वो नरेंद्र मोदी का फायदा उठा रहे हैं. क्यों? पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी कम से कम 80-90 रैली करके कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए करके कांग्रेस को हिला दिया. कांग्रेस तो छिन्न भिन्न हो गया. जैसे बंदर को हाथ में जो फूल माला दे दो ये पीछ पीछ करके निकल जाती है, उसको तरह नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है. मुझे कांग्रेस लीडर्स मुझे कहते हैं पर्सनल दौर पर, उसमें सुनने में जयराम रमेश साहब को नाम लेने में मुझे डर नहीं लगते हैं, क्योंकि वो जयराम रमेश साहब मुझे कहते हैं 2 हार्वर्ड 2 ऑक्सफोर्ड कांग्रेस को बैकवर्ड किया, यूपीए को ऑकवर्ड किया करके जो अंग्रेजी रिदम एसएमएस भेजता है. 2 ऑक्सफोर्ड कौन है? मनमोहन सिंह, सलमान खुर्शीद. 2 हार्वर्ड कौन है? कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम. इसीलिए वो चारों सत्यानाश किया कांग्रेस का. R. Rajagopalan claims that a large chunk of support was to go to NDA. अभी यूपी, बिहार नरेंद्र मोदी का पक्ष में है, जो उसमें परिणाम नरेंद्र मोदी को आगे करेगा. लेकिन एनडीए को आगे करने वाले हैं 2 स्टेट है जिसने यूपीए को पक्का सपोर्ट किया है. 2 स्टेट्स आंध्रा एंड तमिलनाडु. यूपीए को ताकत दिया है, उसको हिला दिया करके टीडीपी एनडीए तरफ आ गया. जो डीएमके एडीएमके तो नहीं आया है, लेकिन जो 40 सीट्स तमिलनाडु में है, 40 सीट्स को पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी किट्टी में जाने वाले हैं. क्योंकि जो अभी एडीएमके सपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कोई क्रूशियल बिल्स वगैरह हो, डीएमके पीछे से सपोर्ट करेगा. जैसे मुलायम सिंह यादव मायावती ने यूपीए सरकार को बचाया, ऐसे टीडीपी जगन रेड्डी, जयललिता, डीएमके, करुणानिधि, ये चारों मिलकर के कम से कम जो 80-90 सीट है नरेंद्र मोदी की टीम में असल में है. देयरफॉर जयललिता, करुणानिधि अलग अलग नहीं देखना है. करुणानिधि साहब को 5 सीट 8 सीट 10 सीट आ जाते, वो भी नरेंद्र मोदी की टीम में जाएगी आखिर में क्रूशियल टाइम. He rubbishes the chances of third front in the Congress this election. He said for Congress the future was bleak and none would like to get into an alliance with them. Third front का तो नजरिया नहीं दिखा रहा ना. third front का components कौन है? Congress. Congress 2 डिजिट में जाने के बाद Congress अचूक political party आने वाले हैं, उनका untouchable हो जाएगा. उनको सामने बिजनेस करने का भी कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं होगा. उतना परिणाम बुरी तरह आने वाले हैं. लेफ्ट कांग्रेस दोनों तो थर्ड फ्रंट का जो बीज है, जो स्तंभ है, वो खत्म हो जाते हैं. वही हिलने में मुझे लगता है कांग्रेस का लेफ्ट फ्रंट में थर्ड फ्रंट को इम्पोर्टेंट है नहीं है. R. Rajagopalan says that it will be safe to predict that NDA will get 180 to 190 seats. वो तो अभी दिन देखना है. अभी आने वाले 17 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख जो पोलिंग के ऊपर है, मुझे लगता है तब तक कोई घटना नहीं होना चाहिए. सेम स्टेटस को मेंटेन करना है. लेकिन बार बार मैं कह रहा है, आने वाले दिन में चुनाव जो भी परिणाम होगा, एनडीए को पक्ष में तो हवा है, कांग्रेस को खिलाफ है. इसीलिए मुझे लगता है वाजपेयी सरकार का जो भी नीति थी 180 190 उसमें बैठे लगता है. जो वाजपेयी का गवर्नमेंट में जो भी 24 पार्टी वो सारा वापस आ गई थी. 1999 से 2003 तक जितना भी संगठन थे एनडीए का अंदर, वो सारा फिर रीबर्थ हो गया है, पुनर्जन्म ले लिया उसको. सो इसीलिए मुझे लगता है एनडीए सरकार में जितना भी विभाग किसी किसी पार्टी का था, कितना कितना कोटा था, वो सारा नरेंद्र मोदी साहब को पुराना फाइल दूर मिठा करके रखना है, सेम चलाना है. एक्सेप्ट वाजपेयी वो नरेंद्र मोदी बैठेगा, उसमें अडवाणी नहीं होगा, बाकी पूरा कैबिनेट सेम होगा मुझे लगता है. दिस रिपोर्ट वाज ब्रॉट टू यू बाय NNIS.